हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। और हर एक नए अपडेट के साथ हम आपके साथ जुड़ते हैं। आज फिर कई अपडेट लेकर आपके सामने आए हैं और जयपुर से हम ये लाइव वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो होने वाली है। तमाम तरीके की चीज़ें हैं जिनको लेकर हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे, जिस तरीके से हमने बताया था कि यूनिवर्सिटी है फरवरी के लास्ट वीक में ओपन हो जाएगी, स्टूडेंट्स के पास नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो गए हैं। यूनिवर्सिटी है 20 तारीख को ओपन हो जाएगी। 20 तारीख से सभी स्टूडेंट, सभी नहीं, अधिकतर स्टूडेंट्स को मेल आया हुआ है कि 20 तारीख को उन्हें आना है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में वापस बुला रही है और उसके साथ में दोनों डोज वैक्सीन की लगना बहुत अनिवार्य है। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा उन सभी स्टूडेंट्स को जो यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं और यूनिवर्सिटी के इस एरिया से अनजान हैं, यहाँ पर एयरटेल के नेटवर्क आते हैं। तो एयरटेल के अलावा आपके पास अगर किसी की सिम है, BSNL फिर भी चल जाएगा, मगर इसके अलावा कोई सिम है तो प्लीज़ उसे पोर्ट करवा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क में काफ़ी दिक्कत आने वाली है। उसके अलावा वाईफाई आपको मिलने वाला है। यूनिवर्सिटी आपको काफ़ी चीज़ों की फैसिलिटीज़ उपलब्ध करवाने वाली है। अब आप घर से चलेंगे तो आपको क्या क्या लेकर आना है। देखिए, नहाने के लिए बाल्टी आपको यहीं मिल जाएगी, आसपास की दुकानों पे मग्गे वगैरह जो हैं। और उसके अलावा तेल, साबुन, शैम्पू आप घर से भी ला सकते हैं और यहाँ से भी खरीद सकते हैं। उसके अलावा सोने के लिए बेड और मैट्रेस यहाँ से मिलने वाले हैं यूनिवर्सिटी से आपको। और उसके ऊपर बिछाने के लिए जैसे बेड शीट हो गई या फिर ओढ़ने का कुछ कंबल वगैरह आप लेकर आ सकते हैं। और उसके अलावा अगर बात करूँ तो हाँ, यूनिवर्सिटी में आप आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी की फ़ीस आपने जमा करा दी, मगर आपको हॉस्टल कैसे मिलेगा। तो हॉस्टल के लिए आपको करीब 20,000 रुपये साथ में लेकर आने पड़ेंगे। सबसे पहली बात बताऊँ तो 3500 रुपये है 6 महीने का आपका रहने का चार्ज लगने वाला है। 6 महीने का 3500 रुपये रहने का चार्ज लगेगा हॉस्टल में रूम का। और उसके अलावा 3000 करीब सिक्योरिटी आपको जमा करानी है। और मेस की बात करें तो मेस में 14,500 से थोड़ा, मतलब लगभग 14,500 रुपये आपको जमा कराने हैं। तो करीब करीब बात करें तो 20,000 के लगभग रुपए आपको लेकर आने हैं यूनिवर्सिटी आ रहे हैं। हॉस्टल फैसिलिटी में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, हॉस्टल आपको इजीली मिल जाएगा। आप यूनिवर्सिटी में एंटर करेंगे तो एंट्री गेट 3 नंबर एंट्री गेट से मिलेगी आपको, 3 नंबर गेट से आपको एंट्री मिलेगी, जहाँ पर गार्ड मिलेंगे और आपकी एंट्री करवा के आपको अंदर भेज देंगे। उसके अलावा अंदर जाके आप जो भी हॉस्टल के केयर टेकर हैं उनसे आप मिलिएगा और वहाँ पर वो इजीली आपको रूम प्रोवाइड करवा देंगे। बट रूम प्रोवाइड करवाने से पहले आपको जो है दोनों डोज वैक्सीन की जमा करानी पड़ेंगी। और उसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा कराने पड़ेंगे, जैसे आधार कार्ड हो गया और स्लिप हो गई फ़ीस की, जो आपने डिपार्टमेंट में फ़ीस जमा कराई उसकी स्लिप हो गई। और उसके अलावा पैसे हो गए, जो यूनिवर्सिटी हॉस्टल के लिए पैसे लेगी वो पैसे हो गए। और ये सारी चीज़ें हैं आपको जमा करानी पड़ेंगी। और हम बात कर रहे थे कॉन्वोकेशन की, तो कॉन्वोकेशन में थोड़ा सा अपडेट है, प्लीज़ ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि कॉन्वोकेशन है अब अप्रैल में होगा। पहले 15 मार्च का मैंने बताया था कि 15 मार्च के लगभग जो है कॉन्वोकेशन होने वाला है, मगर 15 मार्च से पहले तो 3 मार्च को यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन डे है। तो फाउंडेशन डे बहुत शानदार तरीके से मनाया जाएगा। और फाउंडेशन डे में अगर बात करूँ तो जो है चीफ गेस्ट के रूप में राज्यसभा के मेंबर हैं विनय सहस्त्रबुद्धि, ICRC के डायरेक्टर भी हैं, वो चीफ गेस्ट के रूप में आ रहे हैं। तो इमेजिन कीजिए, मतलब किस तरीके से इस बार का जो है फाउंडेशन डे होने वाला है, बहुत शानदार मज़ा आने वाला है मित्रों। और साथ में अगर बात करूँ तो फाउंडेशन डे 3 मार्च को है और 3 मार्च से पहले यूनिवर्सिटी सभी स्टूडेंट्स को, अधिकतर स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में बुला लेगी। 20 तारीख को जिनको नोटिफिकेशन आया है वो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं PG के, और अभी जिनको तुरंत बुलाया जा रहा है उनको इंटीग्रेटेड में है, 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और 1st सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, इनको बुलाया जा रहा है। हालांकि मतलब पूरी बात करूं तो एक तरीके से अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट हाँ, मार्च के पहले वीक में जितने भी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में एनरोल हैं उन सबको यूनिवर्सिटी बुला लेगी। देखिए, अब इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत ये आ रही है कि यूनिवर्सिटी सभी बच्चों को बुलाना चाहती है मगर उनके पास रूम्स इतने अवेलेबल नहीं है कि अभी वो उन सभी को प्रोवाइड करवा दे। रूम्स अवेलेबल हैं बट डबल सीटर के हिसाब से। अभी सबसे पहले यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स को बुलाएगी तो सबको अलग अलग रूम देगी, सिंगल सिंगल रूम देगी, फिर उसके बाद देखेगी कि किस तरीके से जो है स्टूडेंट एडजस्ट होते हैं,
किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती, इसलिए वो 7 दिन का अल्टीमेटम लेके चल रही है कि 7 दिन रुक जाइए प्लीज़ स्टूडेंट्स को, मतलब आधे स्टूडेंट 7 दिन रुक जाइए और 7 दिन के बाद में हम सभी को यूनिवर्सिटी में बुला लेंगे। तो इस तरीके से सारी प्रोसेस है, घबराइएगा मत। अगर आपके पास मेल आ गया है कि आपको 20 तारीख को आना है, अगर आपको मेल आ गया कि 28 तारीख को आना है, हिंदी विभाग की बात कर रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश इन दोनों में मेल आ चुके हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट में ज़्यादातर डिपार्टमेंट अपना मेल जो है भेज रहे हैं, तो इस चीज़ की बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और हम बात कर रहे थे कि हाँ, कॉन्वोकेशन में चीफ गेस्ट के रूप में मुझे लगता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पधारने वाले हैं और कुछ चीज़ें, इसके अलावा तो कुछ बचा नहीं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि यूनिवर्सिटी में अगर आप आ रहे हैं तो जेब में 20,000 के समथिंग रुपीज़ आप लेकर आइए, क्योंकि यहाँ पर आपको जमा कराने पड़ेंगे। और उसके अलावा अगर आप राजस्थान के बाहर से आ रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में तो सभी किशनगढ़ और अजमेर को जानते हैं, तो अगर राजस्थान से बाहर से आ रहे हैं तो सबसे नियर बाई आपको एयरपोर्ट मिलेगा जयपुर। जयपुर के पास में किशनगढ़ भी है, वहाँ भी आप अपनी फ्लाइट की बुकिंग करवा सकते हैं। मगर हाँ, जयपुर जो है इजीली आप जयपुर में पहुँच सकते हैं। और जयपुर में आप जाएंगे तो जयपुर में सिंधी कैंप है और 200 फीट बस स्टैंड है, इन दोनों से आपको बस इजीली मिल जाएगी। और उसके अलावा बात करें तो अगर आप अजमेर से आते तो अजमेर से आपको बस मिल जाएगी, अजमेर जो है बस स्टॉप से बस आपको मिल जाएगी। अजमेर से किशनगढ़ आएंगे, अब किशनगढ़ से बांदा सिंदरी जो गांव है, बांदा सिंदरी वहां पर आपको उतरना, वहां से गुनगुन की व्यवस्था आई थिंक चालू हो जाएगी, अभी तक तो नहीं है बट गुनगुन की व्यवस्था आपके लिए की जाएगी। जो गुनगुन एक वाहन है 4 पहिया का, वो आपको यूनिवर्सिटी तक छोड़ने आएगा। बाकी अगर बात करें तो अभी हम जयपुर में बैठ कर ये वीडियो शूट कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके की जगह है जयपुर में जहां हम बैठे हैं। मेरे पीछे देखिए, ग्रीनरी ही ग्रीनरी है और वाकई में बहुत अच्छा माहौल है जयपुर के इस पार्क में हम ये बैठ कर वीडियो बना रहे हैं। तो थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है कि सारी लोकेशंस को हम आपको, इस लोकेशन को तो बता ही नहीं जिस लोकेशन पर हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे इधर की साइड, तो इधर देखिए जो है ट्रैफिक चल रहा है, तो ये पार्क का बहुत बढ़िया नज़ारा है मुझे मॉर्निंग में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मॉर्निंग में ये वीडियो बना रहा हूँ और आप सभी के प्यार दुलार और मतलब कि सपोर्ट की वजह से मेरा यूट्यूब का जो चैनल है एक तरीके से वेरीफाइड हो गया है। तो अब हम जो है अच्छे तरीके से लाइव में भी अब आपसे बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारा चैनल यूट्यूब चैनल है वेरीफाइड हो चुका है, मोनिटाइज जिसे कहते हैं मोनिटाइज भी हो चुका है। तो बहुत काफ़ी सपोर्ट रहा आप सभी का और आप सभी के सपोर्ट की वजह से मैंने ये चीज़ अचीव की है। और बाकी हाँ, एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, जो अभी इन दिनों स्पोर्ट्स जिन स्टूडेंट ने खेला था तो उनके लिए एक फॉर्म निकाला गया है कि बेस्ट स्पोर्ट्स स्टूडेंट का, तो प्लीज़ आप सबमिट कीजिएगा। बेस्ट स्टूडेंट किसको बनना है तो उसके लिए भी एक फॉर्म निकलेगा, उसे सबमिट कीजिएगा। मतलब कि तरीके तरीके के इनाम हैं इस बार, तरीके तरीके के प्राइज़ हैं यूनिवर्सिटी जो फाउंडेशन डे पर देने वाली है और काफ़ी तरीके के प्राइज़ मिलेंगे। कॉन्वोकेशन भी होने वाला है तो सारे एक्साइटेड हैं, कॉन्वोकेशन में पुराने स्टूडेंट सारे एक्साइटेड हैं कि वो जल्दी से जल्दी यूनिवर्सिटी पहुँचे और यूनिवर्सिटी की चीज़ों को देखें। और बाकी वीडियो को लंबा नहीं बनाएंगे और कोई चीज़ आई थिंक मुझे नहीं लगा कि अब बच गई है। बाकी सभी स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी मार्च के फर्स्ट वीक तक बुला लेगी, बाकी फरवरी में अभी सबके पास मेल आना स्टार्ट हो गए हैं। और आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको किस तरीके से सपोर्टिव हैं और किस तरीके से हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। उन सभी नए स्टूडेंट्स को भी बताना है जो हमारे साथ नए जुड़े हैं और आई थिंक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि ऑथेंटिक न्यूज़ के नाम पर हम इस चैनल के माध्यम से आपको हर एक वो न्यूज़ देते हैं जो आपको ज़रूरी है या फिर आप जानना चाहते हैं। और यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे लेना है, काफ़ी बच्चे हैं जो नए हमारे साथ जुड़ेंगे, उसके लिए हम अब सीरीज़ बनाने जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी खुलेगी, हर एक डिपार्टमेंट के चीफ प्रोफेसर से हम मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे कि उन्हें क्या पढ़ना है और किस तरीके से उनका एडमिशन होगा। अभी के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।